नमस्कार, मैं रितेश ठाकुर सर, और आज हम लोग सेकेंड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला वीडियो बना रहे हैं। और केमिस्ट्री फर्स्ट पार्ट का जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है, ठोस अवस्था, उसी को लेकर के आज हम पहला वीडियो बना रहे हैं। तो लेट वी स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ठोस अवस्था के बारे में। अब ठोस अवस्था क्या है? तो ये पदार्थ की एक अवस्था है। पदार्थ मतलब द्रव्य, मैटर, मैटर है ना। मैटर को जानने से पहले थोड़ा सा हम ऐसे देख लें कि जो हमारे आसपास पूरा जो यूनिवर्स पूरा बिखरा है, जो कुछ भी हम अभी महसूस करते हैं अपने अर्थ पे या दूसरे प्लैनेट्स पे, जो कुछ भी बिखरा पड़ा है, वो देयर आर टू कम्बिनेशन, दो घटक हैं इसमें। एक तो द्रव्य है और एक ऊर्जा है। इन्हीं दोनों के कम्बिनेशन से ही पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। अब द्रव्य क्या है? द्रव्य जितना जो ब्रह्मांड हमारे आसपास है, उसका जो निर्माण कारक होता है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल है, वही है मैटर। दूसरा, जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को इंटरचेंज करने में हेल्प करे, मतलब जो परिवर्तन में हेल्प करे, जो उस अवस्था को बनाए रखने में सहायता करता हो, वो कहलाता है ऊर्जा। इसे हम कह सकते हैं ये संचालन कारक है। तो दो घटक हैं, दो घटक हैं, एक निर्माण कारक है और एक संचालन कारक। और इन दोनों के मिलने से या इन दोनों के सामंजस्य से ही पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ये यही है पूरी, आप कह सकते हैं जो कॉस्मो है, उसको हम इन दो शब्दों में बड़ी आसानी से व्याख्यायित कर सकते हैं। एक है द्रव्य और दूसरा है ऊर्जा। अब बात करते हैं द्रव्य क्या है। मैटर, मैटर मतलब सब्सटेंस, जो हमारे आसपास बिखरा पड़ा है, जो कुछ भी हम महसूस करते हैं, जो हम देखते हैं अपनी इंद्रियों द्वारा, जो हम महसूस करते हैं, जिसमें भार होता है, जिसमें आयतन होता है, जिसमें घनत्व तो होता है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो द्रव्य कहलाती हैं। वो स्थान घेरता है, वो सब सब चीज़ें कहलाती हैं द्रव्य। द्रव्य को अगर हम सिंपल वे में क्लासीफाई करने की कोशिश करें, तो एक एक हिस्सा होगा दृढ़ का और दूसरा है तरल। ये सामान्य क्लासिफिकेशन है, दृढ़ और तरल। दृढ़ रिजिड पार्ट, रिजिड पार्ट को ही हम कह सकते हैं ठोस, सॉलिड स्टेट। और दूसरा जो पार्ट है तरल, फ्लूड, मतलब जिसमें बहने का गुण पाया जाता हो, जिसमें बहने का गुण पाया जाता हो, वो है तरल। अब इसके दो पार्ट है, एक द्रव और एक गैस। द्रव लिक्विड फॉर्म या लिक्विड फेज, और ये गैसियस फेज। अब इस चैप्टर के अंतर्गत जो हमने बात करनी है वो है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था पे बात करनी है। आज जो डिस्कस करना है इस टॉपिक के अंदर शुरुआत में, वो है पहला ठोस अवस्था के गुण, या ठोस अवस्था क्या और उसके गुण, और कुछ भौतिक कारक, जो कि भौतिक अवस्थाओं में जो परिवर्तन की बात करते हैं उसमें कौन कौन से ऐसे कारक हो सकते हैं। और जो तीसरी बात हम लोग करेंगे वो है ठोस का वर्गीकरण। तो तीन हिस्से हैं, मुख्यतः तीन हिस्से, ठोस अवस्था, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनकी फिजिकल फिजिकल कंटेंट या जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, वो देखेंगे। और तीसरा है ठोस का वर्गीकरण। तीन हिस्से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो पहला हिस्सा हम लोग देखते हैं ठोस अवस्था क्या है। तो पदार्थ की वह अवस्था, देखिए दो प्रॉपर्टी ऐसी होती है, एक होता है अंतरा, जो घटक कण होते हैं, घटक कण अवस्था को या पदार्थ की अवस्थाओं को बताने के लिए, अब ये शब्द बार बार आएगा, परमाणु, अणु और आयन, ये तीन ये कारक हैं, या तीन कह सकते हैं घटक कण हैं। जहाँ जहाँ घटक कण की बात लिखी जाए, उसका मतलब है परमाणु, अणु या आयन, इन तीनों में से कोई भी एक हिस्सा हो सकता है। इसको हम कण कहेंगे। कण वो सबसे छोटा घटक जो कि उस पदार्थ के निर्माण में सहायक होता है, वो परमाणु के रूप में हो सकता है, वो अणु के रूप में हो सकता है, वो आयन के रूप में हो सकता है, ठीक है। तो घटक कण का मतलब आप तीनों कंसीडर करेंगे, तीनों में से कुछ भी आएगा। अभी क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कैसे हम अलग अलग करते हैं, लेकिन अभी आप इतना समझ के रखिए कि घटक कण का मतलब परमाणु, अणु या आयन हो सकता है। अब पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें दो हिस्से हैं, एक तो दूरी के आधार पर और उनके बीच में कारण जो आकर्षण बल है वो, तो अगर घटक कणों के बीच की दूरी सबसे कम हो, कम से कम हो, दूसरा ये कम से कम कब हो सकता है, जब उनके बीच का आकर्षण बल बहुत ज़्यादा हो, तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, दोनों दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। क्या है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें घटक कणों के मध्य अंतरा कणीय दूरी न्यूनतम हो, मतलब सबसे कम दूरी हो उनके बीच में, सबसे जो डिस्टेंस है वो मिनिमम हो। जैसे द्रव में अवस्था जो दूरी है वो थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, गैस में दूरी और ज़्यादा मिलेगी, यहाँ क्या है घटक कणों के जो बीच की दूरी है वो सबसे कम हो। दूसरा ये तब हो सकता है जब उनके बीच का जो अंतरा कणीय आकर्षण बल है वो सबसे ज़्यादा हो। तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये देखो न्यूनतम और ये अधिकतम।
अंतराकणीय दूरी न्यूनतम हो, सबसे कम दूरी हो, डिस्टेंस बहुत कम हो, और ये तब हो सकता है जब उनके बीच का आकर्षण बल बहुत ज़्यादा हो। तो अगर पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें घटक कणों के मध्य अंतराकणीय दूरी न्यूनतम हो और उनके मध्य का अंतराकणीय आकर्षण बल जो है वो सबसे ज़्यादा हो तो कहलाएगा ठोस अवस्था। एग्जाम्पल ढेर सारे आपके आसपास भी बिखरा पड़ा है, लकड़ी है, पत्थर है, लोहा है, कोयला है, ढेर सारी चीज़ें हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज़ को हम डिफाइन कर सकते हैं। एक, ठोस अवस्था का जो आकार और आयतन होता है वो निश्चित होता है। आयतन मतलब घेरा हुआ स्थान, वो हमेशा नियत होगा, वो बदलेगा नहीं। आकार मतलब जो उसका रूप है, जो बनावट है, वो कहलाए। तो आकार और आयतन जो है वो निश्चित होता है। घनत्व जो है, इसका घनत्व पदार्थ की जो अन्य अवस्थाएँ जैसे गैस और द्रव उनसे कहीं ज़्यादा होता है। उसके पीछे कारण सिंपल है, क्योंकि कणों के बीच की दूरी जब सबसे कम होगी तो उनका आयतन भी कम होगा, और जब कम होगा आयतन तो घनत्व क्या हो जाएगा, ज़्यादा। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो आयतन अगर कम है तो घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। तीसरी चीज़, इनका गलनांक जो है वो द्रव और गैस की अपेक्षा, गलनांक और क्वथनांक दोनों गैस और द्रव की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती हैं। जब ये पदार्थ की अवस्थाएँ, क्योंकि जब आप ठोस अवस्था होगी, जब आप उसे गर्म करोगे तब वो द्रव बनेगा और गर्म करोगे तब वो गैस बनेगा। तो ये सिंपल बात है कि जो ठोस अवस्था होती है उसका जो गलनांक है और क्वथनांक, ये द्रव और गैस की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है। अब दूसरा हिस्सा हम लोग देखने वाले हैं वो है भौतिक कारक। भौतिक कारक परिवर्तन के लिए जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, तो भौतिक कारक दो तरीके से हम इसको बता सकते हैं। जो आप कह सकते हैं पदार्थ की अवस्थाओं के परिवर्तन का कारक, तो वो कारक क्या है? पहला हिस्सा हो सकता है इसमें ताप ऊर्जा, और उसी के साथ गतिज ऊर्जा, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं। तो ताप ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ये हो गया। और इसके साथ दूसरा फैक्टर जो यहाँ लागू हो जाएगा वो है अंतराकणीय आकर्षण बल। अब इसको आप ऐसे समझिए, ये जो हमने ब्लैकबोर्ड पर लिख रखा है यहाँ पर, उसको आप अपनी कॉपी पर नोट करते रहिएगा, जिससे हम इरेज कर पाए तो आसानी रहेगी। आप वीडियो पॉज करके इसे आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, दो चीज़ें हैं, जैसे ये गैस, द्रव और ये ठोस। अगर आप देखें तो यहाँ मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पर गतिज ऊर्जा जो है वो कणों की बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ गतिज ऊर्जा होगी लेकिन इसके सापेक्ष कम होगी, और यहाँ सबसे कम होगी, क्योंकि ठोस में गतिज ऊर्जा जो कणों के बीच में स्थानांतरी गति होती है, जो टक्कर होती है, ये सब नहीं होता है, ट्रांसलेशन मोशन भी नहीं होता। जो कंपन होता है, कणों का कंपन, वो होता है। कणों के बीच में जो कंपन है और जो घूर्णन है, ये होता है ठोस अवस्था में भी। आप कह सकते हैं ठोस अवस्था में भी हर कण जो है वो कंपन करता रहता है। तो ये यहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर जो आपस में कण टकराने वाली बात है, जैसे द्रव और गैस में होता है, वो इस तरह की अवस्था नहीं होती। तो अगर आप इस दोनों फैक्टर में देखेंगे, तो इस तरफ से इधर जाकर हम जाएँ तो अंतराकणीय आकर्षण बल का बढ़ता क्रम है। ये मतलब द्रव में आकर्षण बल कम, गैस में आकर्षण बल कम, द्रव में ज़्यादा और ठोस में सबसे ज़्यादा। तो अंतराकणीय आकर्षण बल का बढ़ता क्रम है, और ताप ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा इनका घटता क्रम। तो आप देखेंगे कि जब ऊर्जा का मान कम होता जाएगा तो ये धीरे धीरे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। किसी भी पदार्थ को हम इन तीनों भौतिक अवस्थाओं में बदल सकते हैं अगर हम दो चीज़ों में परिवर्तन कर दें। पहला ताप और दूसरा दाब, अगर इन दोनों कारकों अगर हम परिवर्तन करें तो बड़े आराम से हम पदार्थ की एक भौतिक अवस्था को दूसरी भौतिक अवस्था में बदल सकते हैं। मतलब गैस को द्रव में बदला जा सकता है, द्रव को ठोस में, और एज इट इज ठोस को द्रव में और द्रव को गैस में। इस तरह से हम इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर हम ताप और दाब की विभिन्न अवस्थाओं को अगर हम बदलें या उनकी जो वैल्यू है उसका उसके मान में हम परिवर्तन करें, तो पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं को एक दूसरे में आपस में परिवर्तित किया जा सकता है। क्लियर इतना? अब
अब इसका दूसरा हिस्सा देखो क्या है। हमें बात करनी है ठोस अवस्था पे, ज़्यादा फोकस या टॉपिक का जो भी रिलेशन है वो ठोस अवस्था को लेकर के ही है। तो ठोस अवस्था में अभी हम बता रहे थे आपको कि यहाँ जो कंपनी गतियाँ हैं, जो घूर्णी गतियाँ हैं वो होती हैं, लेकिन जो स्थानांतरित गतियाँ होती हैं, ट्रांसलेटरी मोशन जो होता है या जो आपस में कोलिजन मोशन होता है, वो सब इसमें नहीं होता। ठीक है, केवल वाइब्रेशन मोशन होता है और रोटेशन मोशन होता है, वो कणों के बीच में होता है। जो घटक कण हैं परमाणु, अणु और आयन में, ये तीनों, ये दोनों चीज़ें होती हैं। कंपन होता है, घूर्णन भी होता है, लेकिन स्थानांतरण मोमेंट और आपस में टक्कर कणों का, वो इसमें शामिल नहीं है। अब ठोस अवस्था में अगर आप देखेंगे तो इसमें दो 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 तरीके से इसको हम भौतिक कार्य को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। तो ठोस अवस्था का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और वो है जालक, जालक ऊर्जा। ये जानना बहुत ज़रूरी है, लैटिस एनर्जी कहते हैं इसे, लैटिस एनर्जी। ठीक है, जालक, जालक क्या मतलब क्या है? जालक का मतलब है कणों की क्रमबद्ध व्यवस्था। जालक लैटिस शब्द का ही मतलब है जो घटक कण हैं उन घटक कणों की क्रमबद्ध व्यवस्था, यही कहलाता है जालक। अब जालक ऊर्जा क्या है? आप अभी देख रहे थे कि द्रव और गैस में जो कण हैं वो आपस में टकरा भी रहे हैं, तो जाहिर सी बात उनकी स्थितियां नियत तो रहेंगी नहीं, लेकिन ठोस अवस्था में जो कण हैं वो अपने नियत स्थान पे बने रहते हैं और केवल कंपन करते रहते हैं। तो अगर कंपन करेंगे तो उन कणों की व्यवस्था जो होगी वो नियमित होगी, तो घटक कणों की क्रमबद्ध व्यवस्था को ही हम कहेंगे जालक। अब एनर्जी का टर्म क्या है? एनर्जी का टर्म ये है कि जो पदार्थ, आपने फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक पढ़ा होगा बॉर्न हैबर साइकिल, उस बॉर्न हैबर साइकिल में अगर आप देखें तो गैसीय अवस्था को हम ज़्यादातर, वो आयनिक कंपाउंड के लिए होता है, आयनिक कंपाउंड के लिए हम उसकी जो एनर्जी कैलकुलेट करते हैं कि जो पदार्थ है वो अपनी घटक आयनों या घटक आयनों की गैसीय अवस्था से जब वो ठोस अवस्था में मिल करके बन जाता है तो जितनी एनर्जी रिलीज करती है, जितनी एनर्जी बाहर निकलती है, वही ऊर्जा कहलाती है जालक ऊर्जा। मतलब जैसे घटक कण ये हैं, ये है, तो ये गैसीय अवस्था में है, ये गैसियस फेज में है, और इन घटक कणों की गैसियस फेज में से, क्योंकि गैस में है तो एनर्जी ज़्यादा होगी, ये आपस में मिल करके जब एक ठोस अवस्था के रूप में परिवर्तित होंगे तो ये है सॉलिड स्टेट या एक सॉलिड फेज है, तो इनकी एनर्जी इस समय ज़्यादा है। ये जो गैसीय घटक कण हैं जब मिल करके ठोस अवस्था के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो चूंकि एनर्जी यहाँ ज़्यादा यहाँ एनर्जी कम है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, ये निश्चित है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। जो रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी है वही कहलाती है जालक ऊर्जा। जो घटक गैसीय कण हैं उनसे ठोस अवस्था के परिवर्तन के दौरान जो ऊर्जा बाहर निकल जाती है, निर्मुक्त हो जाती है, वही ऊर्जा कहलाती है जालक ऊर्जा। अब जालक ऊर्जा ये जितनी ज़्यादा होगी ठोस का स्थायित्व तो उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जालक ऊर्जा ज़्यादा होगी तो ठोस का स्थायित्व तो उतना ही, जालक ऊर्जा ज़्यादा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, इसको इस तरह से नहीं, जालक ऊर्जा ज़्यादा, ठोस का स्थायित्व तो ज़्यादा, ठोस का स्थायित्व तो ज़्यादा। एनर्जी जो है वो रेसिप्रोकल होती है, ठोस की ऊर्जा कह सकते हैं, ये एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो जो जालक ऊर्जा है, जालक ऊर्जा ज़्यादा होगी तो ठोस का स्थायित्व तो ज़्यादा होगा, मतलब ये जो कण हैं जितना ज़्यादा अपना एनर्जी रिलीज करेंगे वो लो एनर्जी स्टेट में आएंगे, और जब लो एनर्जी स्टेट में आएंगे तो उनकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। तो ठोस की ऊर्जा तो कम हो जाएगी लेकिन ठोस का जो स्थायित्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जालक ऊर्जा अर्थात जो निर्मुक्त ऊर्जा है, ये ठोस की ऊर्जा नहीं है, ये ऊर्जा वो है जो गैसीय घटक कणों
के आपस में मिल करके ठोस अवस्था में बदलने के दौरान जो ऊर्जा बाहर निकली है वही ऊर्जा कहला रही है जालक ऊर्जा। तो ये ठोस के अंदर इनबिल्ड नहीं, ये तो रिलीज हो चुकी है, ये एनर्जी बाहर निकल चुकी है। इस एनर्जी के निकलने के बाद जो ठोस की ऊर्जा है, जो हमें ठोस प्राप्त हो रहा, वो तो लो एनर्जी स्टेट में जाएगा। तो लो एनर्जी स्टेट में जाएगा मतलब उसकी ऊर्जा होगी कम, और जब उसकी ऊर्जा होगी कम तो उसका अस्थायित्व क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो जालक ऊर्जा सीधे सीधे प्रपोर्शन है किसके, ठोस के अस्थायित्व से, और ठोस का अस्थायित्व जितना ज़्यादा होगा कह सकते हैं कि उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, उसकी एनर्जी इतनी कम होगी, क्योंकि जो रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो अलग है और जो ठोस की एनर्जी है वो अलग है। तो ये फैक्टर आता है इसमें, इतना क्लियर है। तो अगर इसमें भी कुछ डाउट होगा आपको तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा और हम कोशिश करेंगे उसको सही तरीके से और समय पर रिप्लाई करने की। और अब हम लोग इसका अगला टॉपिक देखेंगे और वह है वर्गीकरण, और वो है वर्गीकरण। तो हम लोग देखेंगे वर्गीकरण, ठोस का वर्गीकरण, ठीक है। तो इसको दो तरीके से क्लासिफाई कर लेते आसानी के लिए, थोड़ा सा बेहतर रहेगा। तो एक तो घटक कण, घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर एक क्लासिफिकेशन तो ये है, व्यवस्था के आधार पर। और एक हम लोग कर लेते हैं घटक कणों की प्रकृति, प्रकृति क्या है मतलब नेचर क्या है, और उसी के साथ साथ उसी के साथ इनबिल्ड कर लेते हैं। तो घटक कणों की प्रकृति था उनके मध्य कार्यरत आकर्षण बल के आधार पर। ये थोड़ा फैक्टर इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी भी है, बल के आधार पर, ठीक है। तो घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर इसको दो तरीके से बांट सकते हैं आप, एक अक्रिस्टलीय ठोस, तो एक ठोस का ये क्लासिफिकेशन हो गया अक्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा क्रिस्टलीय ठोस। दो चीज़ें, ये आपने सुना भी होगा कई बार, ढेर सारी जगहों पर सुना भोगी होगा, ये अक्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है क्रिस्टलीय ठोस। यहाँ पर क्लासिफिकेशन में हम लोग बात करेंगे इस तरीके से कि उनका फोर्सेस कौन सा है और घटक कण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ध्रुवीय ठोस के बारे में, या इसको हम आणविक ठोस कह सकते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, आणविक ठोस। आणविक ठोस, ठीक है। दूसरा है सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस, ठीक है। नाम से कुछ लग रहा होगा, अब यहाँ जो नाम दिया गया है वो घटक कण इसमें अणु होगा, सहसंयोजक ठोस में थोड़ा फोर्स की बात कही गई है ना। और तीसरा जो इसका पार्ट है वो है आयनिक ठोस, आयनिक ठोस, और जो चौथा है वो है धात्विक ठोस, धात्विक ठोस, ठीक है। तो ये दो मेजर क्लासिफिकेशन है ठोस के लिए, पहला है तो घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर, व्यवस्था कैसी है उनकी उस क्रिस्टल के अंदर, या उस कह सकते हैं जो उस जालक के अंदर, जो अभी हम जालक बता रहे थे आपको उसके अंदर व्यवस्था कैसी है। तो व्यवस्था अगर अनियमित है तो वो अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा, और अगर व्यवस्था नियमित है तो कहलाएगा क्रिस्टलीय ठोस। अभी इसके फीचर्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। और दूसरा है घटक कणों की प्रकृति, नेचर कैसा, मतलब घटक कण भी बताया ना हमने आपको कि तीन घटक कण हैं मेनली, एक है अणु परमाणु और दूसरा है आयन, मतलब तीसरा आयन है। तो यहाँ जो घटक कणों की प्रकृति और उनके मध्य जो कारण आकर्षण बल है, किस प्रकार का फोर्स है वहाँ, वहाँ वांडरवाल फोर्स काम कर रहा है, आयनिक फोर्स मतलब जिसे कोलंबिक फोर्स भी कहते हैं, किस टाइप का फोर्स काम कर रहा है उसके बारे में है। तो पहला है आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस, और आयनिक ठोस, और ये धात्विक ठोस। अब इस आणविक ठोस को भी हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, पुनः बांट सकते हैं, इसको तीन भागों में हम बांट सकते हैं, इसको तीन भागों में हम बांट सकते हैं, ठीक है। हम अभी देखते हैं, एक है ध्रुवीय, ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा है अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, और अगला है अध्रुवीय आणविक ठोस। और तीसरा आप जानते हैं हाइड्रोजन बंधित है ना, हाइड्रोजन बॉन्डेड
जो मॉलिकुलर सॉलिड होंगे वो आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो ये मेजर क्लासिफिकेशन है, तो इसको आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर एक एक करके हम लोग बात करते हैं, ठीक है। वर्गीकरण के लिए और ठोस का वर्गीकरण जो भी ग्राफ दिखाया था आपको, तो उस प्लॉटिंग में देखें तो दो पार्ट है ना, घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर, दूसरा है जो घटक कण हैं उनकी प्रकृति कैसी है और उनके बीच में कारक जो आकर्षण बल है वो कैसा है, ठीक है। तो पहला हिस्सा हम लोग लेके चल रहे हैं अभी घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर। तो दो क्लासिफाइड पार्ट हैं, एक है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। ये हमने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है, आप इसको वीडियो पॉज करके आप पूरा स्नैपशॉट भी ले सकते हैं या अपने नोटबुक में इसे कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ डाउट होगा आप ज़रूर हमें बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पॉइंट करके, हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आपके जो सवाल हैं या जो कुछ भी डाउट है उसे पूरा क्लियर किया जाए, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो क्रिस्टलीय ठोस घटक कण, परमाणु, अणु या आयन, उनमें से कोई भी हो सकता है। उसकी व्यवस्था कैसे होगी, तो व्यवस्था क्या है, त्रिविम्ब संरचना, घटक कण की त्रिविम्ब संरचना। वैसे भी जानते हैं हर पदार्थ जो है अपने थ्री डायमेंशन में होता है, पृथ्वी पर या पूरे ब्रह्मांड में हर कण का अपना तीन डायमेंशन होता है। जैसे हम जब भी कॉपी पर या ब्लैकबोर्ड पर कुछ प्लॉट करते हैं तो वो टू डायमेंशन में होता है, लेकिन जो नेचर जो बना के रखता है, जो जिस नेचर ने जो बनाया हुआ है, वो हमेशा तीन डायमेंशन में, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये सब उसके अंतर्गत आता है। तो तीन डायमेंशन, तो घटक कणों की त्रिविम्ब संरचना में जो उनकी व्यवस्था है वो निश्चित ज्यामिति व्यवस्था होती है, ये महत्वपूर्ण बात है। घटक कणों की त्रिविम्ब संरचना जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा उसमें उसकी निश्चित ज्यामिति व्यवस्था होगी, वो कहलाएगा क्रिस्टलीय ठोस। अगला हिस्सा क्या है, घटक कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होती है, मतलब इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में LRO, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। मतलब ये है कि जैसी व्यवस्था ठोस के इस हिस्से में है वैसी व्यवस्था ठोस के हर हिस्से में मिलेगी आपको। ठोस की जो क्रिस्टलीय ठोस होगा उसमें घटक कणों की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से नियमित होगी, नियमित त्रिविम ज्यामिति व्यवस्था होगी, जैसे ये दिख रहा है। ये क्रिस्टलीय ठोस हमने दो घटक कण दिखाए हैं, इसमें एक हमने सर्किल कर रखा है और एक डॉटेड है, जो हार्ड डॉट है उस तरह से बना रखा है। तो आप देखेंगे तो जो व्यवस्था है घटक कण की वो पूरी तरह से नियमित है, जैसा आपको इस दिशा से व्यवस्था मिलेगी वैसे ही इस तरह से मिलेगी। अगर आप देखें तो घटक कणों की पूरी व्यवस्था नियमित है, गलनांक व्यवस्था नियमित होने के नाते इनका जो गलनांक होगा वो तीक्ष्ण होगा, तीक्ष्ण मतलब शार्प होगा। जैसे अगर हम ग्राफ प्लॉट करें गलनांक के लिए तो हमें ऐसा पीक मिलेगा, इस तरह का पीक नहीं मिलेगा जो एक रेंज को दिखाता हो, ये ब्लंट पीक कहलाता है, ये शार्प पीक कहलाता है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ठोस का वो इस टाइप का होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इस टाइप का होगा, मतलब ब्लंट पीक आएगा, मतलब एक सडन चेंज होगा, ना कि एक रेंज में चेंज नहीं होने वाला, सडन चेंज होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका गलनांक तीक्ष्ण होता है, गलन की ऊष्मा भी निश्चित होती है। जब गलन की ऊष्मा क्या है, वह ऊष्मा या वह एंथैल्पी कह सकते हैं आप उसे, जिसमें ठोस को गलाने के लिए आवश्यक हो, तो वो जो गलन एंथैल्पी है, गलन की ऊष्मा, वो भी निश्चित है। क्योंकि जब मेल्टिंग पॉइंट जो टेम्परेचर नोटिस है वो अगर शार्प है तो जो एनर्जी लगेगी वो भी बहुत निश्चित होगी, फिक्स होगी। ठोस जो क्रिस्टलीय ठोस है पूर्णतः असंपीड्य होते हैं। अगर हम कहें जो क्रिस्टलीय ठोस है यही वास्तविक ठोस है, अगर हम ये कह दें कि जो क्रिस्टलीय ठोस है यही वास्तव में ये वास्तविक ठोस है, यही वास्तविक ठोस, क्रिस्टलीय ठोस को ही हम वास्तविक ठोस कह सकते हैं, तो ये पूर्णतः असंपीड्य होते हैं, मतलब नॉन कंप्रेसिबल हैं, आप इन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते। ये क्रिस्टलीय ठोस असंपीड्य होते हैं, इनकी सतह समतल होती है और इनके फलकों के बीच का जो एंगल होता है वो फिक्स होता है, क्लियर। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं और इसका सबसे मेजर पॉइंट है ये, क्रिस्टलीय ठोस का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो ये है कि क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक होते हैं, एन आइसोट्रॉपिसिटी मतलब विषम दैशिकता दर्शाते हैं, ठीक, विषम दैशिकता। ध्यान रखें क्रिस्टलीय ठोस में जो हमने मेजर पॉइंट लिखे हैं उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक होते हैं, मतलब ये विषम दैशिकता को दर्शाते हैं। अब ये क्या है वो भी हम देखते हैं। तो इसमें दो तीन बातें महत्वपूर्ण, घटक कणों की त्रिविम व्यवस्था, त्रिविम संरचना में नियमित ज्यामिति व्यवस्था होगी, LRO होगा,
गलनांक बहुत शार्प होगा, गलन की जो एंथैल्पी वो भी फिक्स होगी, और ये कम्प्लीटली नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, असंपीड्य होते हैं, और इनके समतल, इनकी सतहें जो हैं वो समतल होती हैं, और इन मतलब अगर इसको हम काटें तो हमें सतह पूरी शार्प मिलेगी, हम उसमें रिजिड एंड फरोज नहीं बनेंगे, गड्ढे नहीं बनने वाले, ठीक है, जैसा अक्रिस्टलीय ठोस में बन जाता है, क्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता। तो समतल सतह होती है और इनके बीच में जो कोण होगा, सतहों के बीच का जो एंगल होगा वो भी निश्चित होगा। आइए हम देखते हैं विषम दैसिकता के बारे में, या विषम दैसिक करेक्टर है क्या। तो ये एक सॉलिड है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसी का फेज हमने बना रखा है यहाँ पर, क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना। अब क्या है यहाँ, ये घटक कण के अरेंजमेंट है इनका। अब विषम दैसिकता का मतलब क्या है, दो बहुत महत्वपूर्ण गुण हैं, एक है विद्युत प्रतिरोधकता और दूसरा है अपवर्तनांक, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, और ये है इलेक्ट्रो रेजिस्टिविटी। तो विद्युत प्रतिरोधकता और अपवर्तनांक, अगर आप ये ठोस के साइट पे डिपेंड करता है, ये ऐसी चीज़ें हैं जैसे अपवर्तनांक आपने पढ़ा ही होगा, हाई स्कूल में भी पढ़ा है कि वहाँ अगर दो मीडियम अगर हमारे पास हैं और हम लाइट पास कराएं तो वो लेसर टू डेंसर या डेंसर टू लेसर होने पर जो परावर्तित जो अंदर भेजने वाली किरण है वो लंब के या तो दूर चली जाती है, लंब के पास चली जाती है। तो वो डिपेंड करता है जो मीडियम है, जो माध्यम है, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसकी सघनता कितनी है। अगर वो विरल माध्यम है तो वो दूर होता जाएगा, अगर वो सघन है तो जो किरण है वो लंब के पास होती जाएगी, ठीक है। तो ये अपवर्तनांक के बारे में था। दूसरा ये है विद्युत प्रतिरोधकता, मतलब करंट को पास करने में जो रेजिस्टेंस पैदा होता है वो कहलाता है विद्युत प्रतिरोधकता। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी है ये, और दूसरा है अपवर्तनांक, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। ये दो प्रॉपर्टी हैं जो ठोस के साइट पे डिपेंड करती हैं, मतलब पेनिट्रेटिंग साइट पे डिपेंड करती है। जैसे ये एक पर्टिकुलर सॉलिड है, अगर ये एक सॉलिड है और इसमें अगर हम देखें तो इस सॉलिड में अगर हम देखें तो लाइट अगर हम इधर से पास करें या इधर से पास करें, इधर से पास करें, जनरली इसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा हमें। लेकिन क्रिस्टलीय ठोसों में ये होता है, क्योंकि घटक कण पूरी तरह से नियमित होते हैं, तो जैसा अरेंजमेंट इस एंगल पे होगा वैसा अरेंजमेंट यहाँ पे भी होगा। लेकिन घटक कणों में अगर हम लाइट के पास करने की बात कर रहे हों तो वहाँ देखें अगर आप, तो चेंज दिखाई देगा हमें। जैसे मान लीजिए अगर लाइट इधर से ऐसे पास कर रही हो, इधर से पास कर रही हो, और एक दूसरा फैक्टर हम इधर से देख लेते हैं, लाइट इधर से इधर पास कर रही हो, तो आप देखेंगे आपको कुछ डिफरेंस दिखाई देगा। जैसे इस तरफ अगर आप देखें तो दो टाइप के हमने पार्टिकल्स इसमें ड्रॉ किए हैं, तो एक सर्किल वाले जो इस जो पेनिट्रेटिंग लाइट है उसके सर्किल की तरफ देखें तो सर्किल वाले सब एक तरफ है और ये जो हार्ड डॉट है ये एक तरफ है। लेकिन अगर हमने जो लाइटिंग इंसिडेंट करा रहे हैं अगर उसका हमने एंगल चेंज कर दिया है तो आप देखेंगे यहाँ अल्टरनेशन शुरू हो गया है, मतलब सर्किल फिर डॉट फिर सर्किल फिर डॉट फिर सर्किल फिर डॉट फिर सर्किल, जाहिर सी बात है इसमें फ्लक्चुएशन होगा, मतलब जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर इसके रेफरेंस में कुछ दूसरी वैल्यू आएगी और इसके रेफरेंस में दूसरी वैल्यू आएगी। बस यही कहलाता है एनआइसोट्रॉपिसिटी, दैट इज एनआइसोट्रॉपिसिटी, विषम दैसिकता। और जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषम दैसिक होते हैं, इसी को कहा गया है। क्योंकि अगर हम ठोस के एंगल को अगर हम बदल दें, मतलब दिशा बदल दें, तो विद्युत प्रतिरोधकता और अपवर्तनांक के जो मान हैं वो एक ही क्रिस्टल में अलग अलग हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा गलनांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो सब फिक्स है, हम इसकी बात कर रहे हैं विद्युत प्रतिरोधकता और अपवर्तनांक की, जो एक ही क्रिस्टल में अलग अलग हो जाएगा अगर हम जो मीडियम है जो हम प्रवाहित करना चाहते हैं, चाहे धारा हो चाहे प्रकाश हो, उसका अगर हम दिशा बदल दें तो उसके मान में भी परिवर्तन हो जाएगा, और इसी को कहा जाता है विषम दैसिकता। तो रीज़न सिंपल है इसका, कि चूंकि दिशाओं के परिवर्तन होने से कणों की व्यवस्था में या कणों की जो अरेंजमेंट है उसमें परिवर्तन हो रहा है, जैसा दिख रहा है आपको। इस तरफ से पास करेंगे तो आप देखेंगे सर्किल 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 डॉट 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 एक साथ आ रहे हैं, लेकिन अगर हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया हो उस एक्टिविटी का, तो जो पासिंग लाइट है और उसके अगल बगल के जो पार्टिकल्स हैं उनमें कुछ चेंज आ गया है, यहाँ अल्टरनेशन शुरू हो गया है, सर्किल डॉट सर्किल डॉट सर्किल डॉट। तो इसके रेफरेंस में जो वैल्यू मिलेगी हमें रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की, या इसके रेफरेंस में जो हमें वैल्यू मिलेगी, उन दोनों में कुछ डिफरेंस आएगा, इसी को कहा जाता है विषम दैसिकता। क्लियर? तो दिस इज द रीज़न।
कि क्रिस्टलीय ठोस में घटक कणों की व्यवस्था दिशा बदलने पर बदल जाती है। जो घटक कण का अरेंजमेंट है, पार्टिकल्स की व्यवस्था दिशा बदलने पर बदल जाती है, जिसके कारण विद्युत प्रतिरोधकता और अपवर्तनांक के मान में भी परिवर्तन आ जाता है, और इसी घटना को हम कहते हैं विषम दैसिकता। क्लियर? कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे नमक है, चीनी है, डायमंड है, क्वार्ज, क्वार्ज फॉर्मूला वही सिलिका SiO2। सिलिका जो है वो अकृष्णी ठोस में आता है और जो क्वार्ज है वो क्रिस्टलीय ठोस में आता है। दोनों के केमिकल फॉर्मूले जो है वो सेम है। क्वार्ज भी SiO2 होता है और जो सिलिका अर्थात रेत या बालू उस भी वो भी जो है SiO2 ही होता है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पार्ट इज अकृष्णीय ठोस नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसी के बेस पर दूसरे पॉइंट भी लिखे हैं। पहला, घटक कणों की कोई निश्चित ज्यामिति व्यवस्था नहीं होती। यहाँ निश्चित ज्यामिति व्यवस्था होती है और यहाँ निश्चित ज्यामिति व्यवस्था नहीं होती। अगला, घटक कणों में लघु परास व्यवस्था होती है। यहाँ LRO होता है और यहाँ SRO होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। मतलब जैसी व्यवस्था घटक कणों की इस स्थान पे है, ठोस के एक हिस्से में है, ठोस के एक हिस्से में जो घटक कण की व्यवस्था है दूसरे हिस्से में जाने पर बदल जाएगी। इसी को कहा जा रहा है अकृष्णीय ठोस। अकृष्णीय ठोस मतलब घटक कणों की व्यवस्था में अगर परिवर्तन, अब घटक कणों की जो अंदर का अरेंजमेंट है वो हर दिशा में पूरी तरह से बदला हुआ होगा। जैसे यहाँ पर जो व्यवस्था है उस तरह की व्यवस्था यहाँ नहीं मिलेगी आपको, तो वो कहला रहा रैंडम है, रैंडमनेस, आप ऐसे कह सकते हैं रैंडमनेस। तो घटक कणों की लघु परास व्यवस्था मतलब कुछ हद तक वो ठीक होंगे, उसके बाद व्यवस्था बदल जाएगी, फिर ठीक होंगे, फिर व्यवस्था बदल जाएगी। तो अनियमितता ज़्यादा होती है, इसीलिए कहा गया है कि घटक कणों की कोई निश्चित ज्यामिति व्यवस्था इसमें नहीं होती। और निश्चित ज्यामिति व्यवस्था नहीं होती तो उसको हम टर्म क्या दे रहे हैं, उसको हम दे रहे हैं SRO, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, मतलब लघु परास व्यवस्था होती है इसमें। अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है जो गलनांक है वो तीक्ष्ण नहीं होगा। मतलब जो भी हमने ग्राफ दिखाया था आपको, हमें रेंज मिलेगा, मेल्टिंग पॉइंट का एक रेंज मिलेगा। मतलब अभी मेल्ट जस्ट हैव टू स्टार्ट इट, अभी धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होगा और एक टेम्परेचर पर आने के बाद फिर वो मेल्ट हो जाएगा। तो हम जो मेल्ट होने की दशा है तो उसमें परिवर्तन देखेंगे तो, लेकिन हमें तीक्ष्ण परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो उसका तीक्ष्ण नहीं होता। और इसी में एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं कि इनकी जो गलन की उसमें है वो भी अनिश्चित होती है, फिक्स नहीं होती जैसा हम क्रिस्टलीय ठोस में देखते हैं। तो यहाँ गलन की उसमें बहुत निश्चित नहीं होती, तोड़ने पर सतह जो है वो अनियमित हो जाएगी। अगर हम इसको एज को तोड़ें अकृष्णीय ठोस को, तो जैसे पत्थर है, लकड़ी है, लकड़ी अकृष्णीय ठोस होता है, अगर आप इसको तोड़ें तो आपको शार्प एज नहीं मिलेगा। जैसे आप लोहे को या सरिये को काटें और उसको छेनी और हथौड़ी से अगर काटा जाए तो आप देखेंगे तो जो उसकी एज मिलेगी वो बहुत शार्प मिलेगी, पूरी तरह से चमकता हुआ शार्प एज मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हमें शार्प एज नहीं मिलता है अकृष्णीय ठोस में। तो तोड़ने पर सतह जो है अनियमित हो जाती है। और एक बड़ी बात है, ये समदैशिक होते हैं ये। अगर आप नाम से थोड़ा सा उस तरह से देखें तो क्रिस्टलीय ठोस जो है वो विषम दैशिक होता है और अकृष्णीय ठोस सम दैशिक होता है, आइसोट्रॉपिक होता है। इसको समझने के लिए हम लोग ये देखें, ये एक अकृष्णीय ठोस का हमने फिगर आउट किया हुआ है छोटा, और इसमें हमने रैंडमनेस दिखाने की कोशिश की है। रैंडमनेस है मतलब घटक कणों की कोई नियमित व्यवस्था नहीं है। यहाँ पैटर्न फिक्स नहीं है। यहाँ कणों की जो नियमित ज्यामिति व्यवस्था है वो निश्चित नहीं है, यहाँ व्यवस्था निश्चित थी। अब अगर हम विषम दैशिकता में यही दो प्रॉपर्टी, विद्युत प्रतिरोधकता और अपवर्तनांक के बारे में बात करें, तो इसमें अगर हम किसी भी एच से अगर हम गुजरें, यहाँ से लेकर के मान लीजिए हम निकलते हैं लाइट को लेकर के, या कंडक्टिविटी कंडक्टर्स को लेकर के, धारा को लेकर के, और इधर से हम गुजरें ऐसे, तो जैसी अनियमितता यहाँ होगी उसी तरह की अनियमितता यहाँ होगी। मतलब जिस तरह का रैंडमनेस इधर होगा उसी तरह का रैंडमनेस इधर होगा। तो रैंडमनेस चारों तरफ समान प्रकार का होगा, तो रैंडमनेस अगर चारों तरफ समान प्रकार का होगा तो उसके कारण अलग अलग दिशा में परिवर्तन के बावजूद विद्युत प्रतिरोधकता और उसके अपवर्तनांक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बड़ी बात है, इसको आप ऐसे समझें कि चूंकि अनियमितता बहुत ज़्यादा है, अव्यवस्था पूरी तरह से बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम दिशा बदल करके धारा का या प्रकाश के किरणों का अध्ययन कर रहे हैं तो दिशा बदलने पर विद्युत प्रतिरोधकता और उसके अपवर्तनांक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। माइंड इट, ये इंपॉर्टेंट बात है।
आ क्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं, जबकि क्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। यहाँ पर दिशा बदलने पर इस विद्युत प्रतिरोधकता और अपवर्तनांक के मान में परिवर्तन हो जा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि जब हम दिशा बदल रहे हैं तो जो घटक कणों की त्रिविम व्यवस्था है वो एक डायरेक्शन बदलने पर उनमें अंदर की व्यवस्था थोड़ी सी भिन्न हो जा रही है, जिसके कारण विद्युत प्रतिरोधकता और अपवर्तनांक के मान में भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है। जबकि यहाँ पर चूंकि पहले से ही अव्यवस्था ज़्यादा है, केवल अगर हम दिशा बदल रहे हैं तो वो अव्यवस्था जैसा इधर है वैसी अव्यवस्था इधर है, तो रिजल्टेंट में क्या होगा कि जो विद्युत प्रतिरोधकता या अपवर्तनांक के मान में इधर वैल्यू आ रही होगी वही वैल्यू इस डायरेक्शन से भी आएगी, वही वैल्यू इस डायरेक्शन से भी आएगी। इसी घटना को कहा जा रहा है समदैशिकता, आइसोट्रोपिसिटी। फेज क्या है? ये समदैशिक होते हैं, मतलब इसी को हम क्या बोल रहे हैं, समदैशिक होते हैं, अर्थात अकृष्णी ठोस समदैशिक होते हैं जबकि कृष्णी ठोस विषमदैशिक होते हैं। इतना ठीक है? तो ये आप स्नैपशॉट ले लीजिए इसका और आप नोट कर लीजिए, और इसमें डाउट हो तो फिर बताइएगा आप। ठीक है, थैंक यू। तो अब हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स का, और वो है क्रिस्टलीय ठोस के घटक कण और उनके मध्य जो कार्यरत अंतराकणीय आकर्षण बल है उसके आधार पर। ठीक है, वास्तव में यही जो हम बता रहे थे आपको कि जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस, और क्रिस्टलीय ठोस ही वास्तविक ठोस होते हैं, तो उनको चार मुख्य भागों में बांटा जा सकता है इस बेसिस पर, मतलब उनका जो घटक कण है उसका नेचर कैसा है और उनके बीच में जो मोड ऑफ फोर्सेस हैं वो किस टाइप के हैं। तो इसको चार कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी आणविक ठोस की है, सहसंयोजक ठोस, आयनिक ठोस और धात्विक ठोस। ठीक है, आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आयनिक ठोस और धात्विक ठोस। अब जैसा नाम से ही लग रहा है, यहाँ घटक कण अणु हैं, यहाँ घटक कण वास्तव में परमाणु है, इसको हम नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, परमाणवी ठोस है ये। परमाणवी ठोस नाम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से भी कुछ थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता है, इसलिए जो बल है, जो फोर्स है उसके आधार पर नाम रख रहे हैं, सहसंयोजक ठोस और ये है धात्विक ठोस। ठीक है, और ये तीसरा है आयनिक ठोस। तो एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। आइए पहला देखते हैं आणविक ठोस। अब आणविक ठोस घटक कण अणु, सीधा सीधा है, घटक कण क्या होगा, अणु होगा। अब इसमें जो फोर्स है, इस आणविक ठोस के अंदर जो फोर्स है उसके आधार पे इसको फिर से हम तीन भागों में बांट रहे हैं, तीन सब कैटेगरी में बांट रहे हैं। कण अणु है, नाम हो गया आणविक ठोस, लेकिन अब इन अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है उस आकर्षण बल की प्रकृति कैसी है उसके आधार पर तीन प्रकार के आणविक ठोस रखे गए हैं। पहला आध्रुवीय आणविक ठोस, मतलब नॉन पोलर, मॉलिकुलर सॉलिड तो है वो नॉन पोलर है। कौन सा फोर्स काम करेगा? लंदन फोर्स काम करेगा, या इसको बोलते हैं वीक डिस्पर्जन फोर्सेस, दुर्बल परिक्षेपण बल, दुर्बल परिक्षेपण बल या लंदन बल। इनकी प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि ये विद्युत कुचालक है। वैसे एक कॉमन बात समझ लीजिए, सारे आणविक ठोस विद्युत कुचालक होते हैं, जितने भी आणविक ठोस हैं सब के सब क्या हैं, विद्युत कुचालक है। ध्यान रखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, आणविक ठोस की बात हम कर रहे हैं, आणविक ठोस जो है विद्युत कुचालक होते हैं। तो इनमें जो मोड ऑफ फोर्सेस है वो कैसा है? दुर्बल परिक्षेपण बल, या इसे हम कहते हैं लंदन बल। लंदन बल, लंदन इज अ नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु प्रपोज द फोर्सेज, द मोड ऑफ फोर्सेज दैट इज वीक डिस्पर्जन फोर्सेज, जिसे हम नाम दे रहे हैं लंदन फोर्सेज। विद्युत कुचालक होते हैं ये, मुलायम होते हैं, मृदु होते हैं, जिसे हम नर्म भी कह सकते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। जब फोर्सेस कम होगा तो कम एनर्जी पे ही बड़ी आसानी से मेल्ट भी हो जाएंगे और इवेपोरेट भी कर जाएंगे, ठीक है, बॉइल्ड भी कर जाएंगे। तो इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। CCl4 जानते ही आप, ये पायरीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन सॉलिड फॉर्म में, या और इसका म्यू की वैल्यू आप जानते हैं जीरो आती है, डाइपोल मोमेंट इसका जीरो आएगा तो नॉन पोलर होगा, तो CCl4 सॉलिड। आयोडीन अपने आप में नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, सॉलिड फेज में है। क्लोरीन ये जो जनरल फिजिकल स्टेट है इसका, वो गैस अवस्था होती है, इसका सॉलिड होता है, ये द्रव होता है, लेकिन ये इस अवस्था में जो हम बात करना चाहते हैं वो ठोस अवस्था में सारे सॉलिड फेज में है। और इनमें जो बॉन्ड का नेचर है वो है वीक फोर्स एंड वीक डिस्पर्जन फोर्स, लंदन फोर्स या दुर्बल परिक्षेपण बल। और इनमें हर अणु जो है, हर घटक कण जो है अर्थात अणु, वो आध्रुवी है, मतलब एक 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 कण का जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो जीरो आएगा, इसका भी जीरो, इसका भी, इनका भी, इनका भी। इसका कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ड्राई आइस भी कहते हैं, है ना, ये
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाता है, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ भी यही कहलाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ध्रुवीय आणविक ठोस, फोर्सेस नेचर क्या है, घटक कण वही, घटक कण पूरे आणविक ठोस में अणु ही होगा, लेकिन बल कैसा है, ध्रुवी। अब बल ध्रुवी कैसे हो गया, जो कण है, जो अणु है, उसका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट आता है, जो अणु होगा उसका कुछ डाइपोल मूवमेंट आएगा। जैसे अब इसमें देखो HCl सॉलिड हमने लिख रखा है, HCl को अगर आप देखें तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अवस्था में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्रव अवस्था में होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अवस्था में बोलते हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं द्रव अवस्था में। HCl हाइड्रोजन क्लोरीन, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ क्लोरीन दैट पर्टिकुलर शेयर्ड बॉन्ड विल शिफ्टेड टूवर्ड्स क्लोरीन और इट एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड एज इट इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, उससे क्या हुआ, जो HCl के बीच का बॉन्ड है वो नॉन पोलर नहीं रह गया, अब वो शिफ्ट हो गया, तो एक तरफ आंशिक ऋणावेश और एक तरफ आंशिक धनावेश, जिससे ये अणु खुद में खुद क्या हो, खुद ब खुद क्या हो गया, ध्रुवीय हो गया। तो अभी जब ठोस अवस्था में परिवर्तित होगा तो इसके बीच में फोर्स काम करेगा, वो डाइपोल डाइपोल फोर्स होगा, क्योंकि एक HCl का अणु बगल में दूसरा HCl का अणु, तो ये भी डाइपोल है, ये भी द्विध्रुव है और दूसरा वाला भी द्विध्रुव है, तो इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा वो द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल होगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस होगा, विद्युत कुचालक होंगे, क्योंकि यहाँ फ्री आयंस तो है नहीं, ना ही फ्री आयंस है ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये बात पहले ही बता चुके हम आपको कि आणविक ठोस जो है वो सब के सब विद्युत कुचालक होते हैं, मतलब इनमें इन इस तरह के सॉलिड्स में करंट की फ्लो होने की कोई संभावना नहीं होती है। अब तीसरी जो कैटेगरी है वो है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड, मतलब हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, नॉफ की कैटेगरी आपको पता है कि जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन से अटैच होता है तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन अधिक विद्युतीय परमाणुओं के विस्थापित हो जाता है, जिसके कारण इन परमाणुओं पर आंशिक ऋणावेश और उसके रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन पर उतना ही आंशिक धनावेश। तो जब ये वैसे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल जनरली जो है वो द्रव अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं, लेकिन ये जो बात हम कर रहे हैं ये ताप और दाब में परिवर्तन करने के पश्चात हमें ये अवस्था प्राप्त हुई है। तो ठोस अवस्था तो है, हाइड्रोजन जो बंधित अणु होते हैं वो सामान्य तौर पे, ध्यान रखिएगा, सामान्य तौर पे वो द्रव अवस्था में होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ठोस अवस्था की बात है वो इसका नेचुरल स्टेट नहीं है, उसमें हम ताप और दाब में हमने बदलाव किया है और तब हमने इस अवस्था को प्राप्त किया है। जैसे यूरिया आइस बर्फ H2O अमोनिया नेचुरल कंडीशन, अब आइस मतलब H2O, अब H2O की जो वास्तविक भौतिक अवस्था है वो द्रव है, लेकिन हम इस ठोस की बात कर रहे हैं तो ये सामान्य ताप पर तो होगा नहीं, हमने ताप को रिड्यूस किया हुआ है तब हमें आइस मिला है, अमोनिया सामान्य ताप पर गैस होती है, हमने इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर कम किया हुआ है तो ये ठोस अवस्था में बदल गया है। HF भी सामान्य ताप पर द्रव होता है, HF सामान्य ताप पर द्रव होता है, HCl गैस होता है, HF सामान्य ताप पर क्या होता है, द्रव होता है, हमने टेम्परेचर कम करके इसको ठोस अवस्था में बदल रखा है। तो ठोस अवस्था में ये जो परिवर्तन हुआ है इन घटक कण, ये सब के सब अणु हैं, HF भी अपने आप में एक अणु है, अमोनिया भी अपने आप में एक अणु है, ये H2O भी अपने आप में एक अणु है और ये यूरिया मालूम होगा आपको NH2CONH2 ये खुद अपने आप में एक अणु है, लेकिन जब ये सॉलिडिफाई हुए हैं तो इनके बीच में हर घटक कणों के बीच में कुछ डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल मतलब द्विध्रुव अणु थे तो उनके बीच में एक फोर्स काम कर रहा है, उसको हम कह रहे हैं द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल, जिसके कारण हर अणु द्विध्रुव है डाइपोल है, इसीलिए इस ठोस को कहा गया है ध्रुवीय आणविक ठोस। और ये कैटेगरी थी हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस की, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का पार्टिसिपेशन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड का पार्टिसिपेशन, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये अपनी ठोस अवस्था में परिवर्तित हुए हैं। ठीक, इन सभी में हाइड्रोजन बॉन्ड, नॉफ यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, पानी में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और यहाँ फ्लोरीन। ठीक, दूसरी कैटेगरी जो मेजर कैटेगरी है वो है सहसंयोजक ठोस की, या इसे हम नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, फोर्स नाम से ही लग रहा है, प्रबल सहसंयोजक बंध होगा, दिशात्मक होता है, आपको पता है कि सहसंयोजक बंध जो होते हैं वो दिशात्मक होते हैं और इसीलिए इनमें समावयवता भी पाई जाती है और इसीलिए इनके इनके अणुओं के संरचना सूत्र भी बनाए जा सकते हैं, जबकि वैद्युत संयोजी आबंध जो है वो नॉन डायरेक्शनल अर्थात आदिशात्मक होते हैं और उनके हम संरचना सूत्र भी नहीं बना सकते और ना ही उनके ना ही उनमें समावयवता पाई जाती है। और सहसंयोजक आबंधित जो ठोस हैं वो
क्योंकि बॉन्ड जो है वो डायरेक्शनल है, इसलिए दिशात्मक आबंध पाया जाता है। कठोर और भंगुर होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। जो सहसंयोजक ठोस होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, बड़ा एक्सेप्शन है, और वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो सहसंयोजक ठोस होता है, लेकिन इसमें करंट कैन बी फ्लोट। घटककण परमाणु हो गया। एग्जाम्पल्स में क्या ले सकते हैं हम, सिलिकॉन कार्बाइड, इसे हम कार्बोरंडम भी कहते हैं, ये हीरा कार्बन से ही बना है। ग्रेफाइट ये भी कार्बन है। एल्युमिनियम नाइट्राइड है ना, ये बोरान नाइट्राइड, BN बोरान नाइट्राइड, ये बोरान अकेले खुद बोरान जो होता है वो दो फॉर्म में मिलता है, क्रिस्टली अक्रिस्टली बोरान। तो ये इनके बीच में जो फोर्स मिलता है वो फोर्स कैसा है, कोवेलेंट टाइप का है, सहसंयोजक प्रकार का है, इसलिए इस ठोस को भी हम कह रहे हैं सहसंयोजक ठोस। काला फास्फोरस, वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, एलोट्रॉप्स होते हैं ना उसके, तो ये ब्लैक फास्फोरस, और ये है क्वार्ट्ज, सिलिका जी हम बात कर रहे थे। तो ये सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस है। अब तीसरी कैटेगरी है वो आयनिक ठोस की है। आयनिक ठोस नाम से ही जैसा लग रहा है कि आयन से मिलकर बना होगा, तो ये इसके जो घटक कण हैं वो विपरीत आवेशित आयन होंगे। अब जब आयन होंगे तो इनमें फोर्स भी काम करेगा, और बहुत ही स्ट्रांग फोर्स काम करेगा, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल। इसको प्लस माइनस चार्ज होंगे तो हम एक कूलम्बिक फोर्स की बात भी कर सकते हैं। एफ इक्वल टू मालूम होगा आपको 1/4 πε0 Q1 Q2 r2। तो उस फेस पे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो फोर्स काम कर रहा है वो कूलम्बिक फोर्स है, प्रबल वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल, या इसको हम कहते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। कठोर भंगुर होते हैं, जैसे नमक आप ले लीजिए, कठोर होता है, लेकिन अगर आप उसे ठोकें या चोट करें तो वो ब्रिटल टाइप, मतलब जैसे टूट जाता है, तो यही कहलाता है भंगुर। निविड़ संकुलित, क्लोज्ड पैक्ड होते हैं, मतलब जिनके घटक कण हैं बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं, और इसलिए इस घटना को कहते हैं हम निविड़ संकुलन। तो निविड़ संकुलित होते हैं ये सब, इनके गलनांक उत्तनांक बहुत ज़्यादा होते हैं। रीज़न अगर पूछा जाए तो रीज़न यही है कि इनके बीच में जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनके गलनांक उत्तनांक अन्य ठोसों की अपेक्षा ज़्यादा होते हैं। कुछ और प्रॉपर्टी है, एक एक केस है LDL की, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। पदार्थों के किसी विलायक में घुलने की क्रिया को हम कई तरीके या कई कारकों से परिभाषित करते हैं, रीज़न हम ढेर सारे ढूंढते हैं नेचर के आधार पर, लेकिन एक बड़ा फैक्टर है और वो है LDL का, मतलब जो जैसा विलेय होता है वो उसी प्रकार के विलायक में घुलेगा, LDL का, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो चूंकि आयनिक यौगिक जो होते हैं वो ध्रुवीय होते हैं, आयनिक यौगिक क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं, जैसे NaCl है तो टूटेगा Na+Cl- में, तो ये बड़ी आसानी से उन विलायकों में घुलेंगे जो खुद ध्रुवीय होते हैं, अर्थात ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में घुलेगा। तो जो आयनिक यौगिक हैं, आयनिक ठोस, वो ध्रुवीय विलायकों में पूरी तरह से विलेय होते हैं। अब ध्रुवीय विलायक में आप पानी ले सकते हैं, पानी खुद आपका ध्रुवीय विलायक है, पानी की तो बात, पानी तो सार्वत्रिक विलायक है, पानी में कुछ पोलर सॉल्यूट तो घुलते ही हैं, नॉन पोलर सॉल्यूट भी बड़ी आसानी से घुल जाते हैं, वो उसका डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट चूँकि बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पानी में ध्रुवीय और आध्रुवीय विलेय दोनों प्रकार के विलेय उसमें घुल जाते हैं। लेकिन इनकी अगर हम बात करें सामान्य तौर पे ये ध्रुवीय विलायक में विलेय हो जाएंगे, आध्रुवीय विलायक में ये अविलेय होते हैं। आध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन हो गया, जैसे बेंजीन हो गया, यहाँ लिख देते हैं, जैसे बेंजीन हो गया, CCl4 खुद है ना, साइक्लोहेक्सेन हो गया, एसीटोन हो गया, ये सब क्या है, आध्रुवीय विलायक हैं। तो ये जो आयनिक सॉलिड हैं ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ठोस अवस्था में ये विद्युत कुचालक हैं, ठोस अवस्था मतलब जब ये सॉलिड फॉर्म में, जैसे NaCl ठोस अवस्था में विद्युत कुचालक होता है, लेकिन अगर हम किसी को गला दें, मतलब इसको अगर हम मेल्ट कर दें या इसको किसी उचित ध्रुवीय विलायक में घोल दें और उसमें हम तब करंट पास कराएं तो बड़ी आसानी से करंट पास करेगा। रीज़न, क्योंकि ये गलित अवस्था में या विलयन की अवस्था में आने पर अपने विपरीत आवेशित आयनों में ये टूट जाते हैं, जिसके कारण इनमें से वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। तो ठोस अवस्था में विद्युत कुचालक होते हैं, जबकि गलित या विलयन की अवस्था में ये विद्युत सुचालक हो जाते हैं। एग्जांपल्स ले सकते हैं हम NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, जिंक सल्फाइड, मेनी मोर्स, और भी जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं उन सबको ले सकते हैं। एक और लास्ट टॉपिक है, ये इस वीडियो का लास्ट हिस्सा है, और वो है मेटेलिक सॉलिड। इसको अभी हम फ्रेम कर देते हैं, ये है धात्विक सॉलिड, धात्विक ठोस, ठीक है, मेटेलिक सॉलिड है। अब घटक कण की बात अगर हम करें तो घटक कण में ये खुद जो धातु परमाणु है वो खुद आएगा, परमाणु, धातु परमाणु,
कुछ फेजेस में इन्हें हम धात्विक धनायन भी कहते हैं, लेकिन थोड़ा जो थ्योरी है वो वेल एक्सप्लेन नहीं हो पाती, क्योंकि अगर पूरे धातु में चारों तरफ धनायन है तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअली बहुत ठीक नहीं है। लेकिन जहाँ तक रही बात इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के दौरान, तो ये हम बात कुछ हद तक मान भी सकते हैं कि वहाँ पर जो करंट का फ्लो होता है वो धनायन और इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें आपस में इंटरचेंज होता है। तो अगर आप करंट के फ्लो करने की बात देखेंगे तो वहाँ थोड़ा सा आपको ये बात समझ में आएगी कि वहाँ धात्विक धनायन होते हैं जिसके कारण जो है इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से फ्लो करता है, और आप कह सकते हैं उसी धात्विक धनायन के कारण ही उस धातु की सतह के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, इसलिए बड़ी आसानी से उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो धातु जो घटक कण हैं वो धातु परमाणु हैं, और धातु परमाणु होने के नाते ही इनको हम धात्विक ठोस कहते हैं। और धात्विक ठोस की बड़ी प्रॉपर्टी है, पहला ये आघात वर्धनीय होते हैं, मतलब अगर आप इन्हें चोट करेंगे तो ये फैल जाएंगे, ठीक है। दूसरा तन्य होते हैं, अर्थात इनमें ये या कह सकते हैं इनमें आघात वर्धनीयता पाई जाती है, इनमें तन्यता पाई जाती है, तन्यता मतलब डक्टिलिटी है, आप इनके तार बना सकते हैं। ये धात्विक ध्वनि उत्पादक होते हैं, मतलब इनकी जो ध्वनि है अगर इनको हैमरिंग की जाए तो एक अलग प्रकार का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और धात्विक ध्वनि उत्पादक होते हैं। धातुओं की जो चमक है वो एकदम अलग होती है, तो इनमें धात्विक चमक पाई जाती है। अब मेटालिक लक्षर मतलब धात्विक चमक का मतलब हो गया मेटालिक लक्षर, उसकी प्रॉपर्टी हम किसी से रिलेट नहीं करते, इसलिए सीधे सीधे नाम दे देते हैं धात्विक चमक, है ना। और ये विद्युत तथा ऊष्मा के प्रबल सुचालक होते हैं, आप कह सकते हैं विद्युत तथा ऊष्मा के प्रबल सुचालक होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कंडक्टिविटी फ्लो करती है, और उसका सिर्फ एकमात्र कारण है और वो ये है कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुतायत में पाए जाते हैं, और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ये जो धात्विक ठोस होते हैं ये विद्युत और ऊष्मा के प्रबल सुचालक होते हैं। एग्जांपल्स में जितनी भी धातुएं आपके पास हैं ले सकते हैं आप, गोल्ड ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं, एल्युमिनियम ले सकते हैं, आयरन ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं, निकिल ले सकते हैं, कोबाल्ट ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, मेनी मोर्स। अगर आप देखें तो पूरी पीरियड टेबल में मैक्सिमम जो एलिमेंट्स हैं दे बिलोंग फ्रॉम मेटेलिक कैरेक्टर, है ना, तो ये सब आएगा धात्विक सॉलिड। इतना ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन था। अगला जो वीडियो होगा वो जो मेटालिक सॉलिड की प्रॉपर्टी है, जिसमें हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, और उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है लॉरेंज के द्वारा, उसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।